आपके चैनल पे हम लोग आज एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे YouTube के लिए। वेलकम टू बिजनेस लाउंज। ओनली वन कार फॉर सेल इन इंडिया। इस गाड़ी के अंदर 10 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन हो रखी है। ऑटोमेटिक फोल्डिंग जो लगा रखे हैं साइड स्टेपर्स, जो कि रेंज ओवर में आपको आते हैं। ये वेलवेट वाली ये फीलिंग, ये प्रीमियम फील, और ये किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है? ये है जैगुआर XJL से इन्फ्लुएंस्ड। जैसे कि एस क्लास के अंदर पीछे रिक्लाइनर्स होते हैं, तो रिक्लाइनर आ गया। तो ये वाली रू जो है वो रोल्स रॉयस से इन्फ्लुएंस्ड है। 0080 यानी कि 80 नंबर इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, तो VIP नंबर भी है, और वो VIP नंबर भी आपको साथ में मिलेगा। तो दोनों के प्राइस के अंदर भी हम 5 लाख रुपए का फर्क डाल रहे हैं। इरफान भाई, 5 लाख में दूसरी गाड़ी आ जाती है। इसके अंदर जो लोडिंग्स है वो 8 लाख रुपए की है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि माई कंट्री मार्केट पे जब भी हम इनोवा लेके आते हैं, वो भी सागर मोटर डीलरशिप से, तो वो इनोवा नहीं होती, वो हिस्ट्री क्रिएट करती है। क्योंकि सबसे ज्यादा यूट्यूब पे इनोवा के किसी ने व्यूज हासिल करे तो वो करे मॉडिफाइड इनोवा ने। तो आज आपके लिए हिस्ट्री में पहली बार एक नहीं 2 मॉडिफाइड इनोवा लेके आया है, और वो भी ऐसी जो आपने देखी नहीं होगी वैसी। दिस वीडियो आपके चैनल पे हम लोग आज एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे यूट्यूब के लिए। करेक्ट, एक साथ दिखाएंगे। मैं हिस्ट्री क्रिएट करेंगे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हमारे व्यूअर्स हमारी पुरानी वाली मॉडिफाइड इनोवा की वीडियो देखेंगे, काफी सारी बेची है आज तक, काफी सारी मॉडिफाइड वीडियोस बनाई हैं इरफान भाई के साथ ही बनाई है सारी, और किसी चैनल पे नहीं बनाई है ना बनाएंगे। Correct. और वो जो मॉडिफाइड वीडियोस है उस पे 10 मिलियन से प्लस व्यूज हैं, तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड द वर्ड की हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, तो आज हिस्ट्री इसलिए क्रिएट हो जाएगी कि 2 अलग तरीके की मॉडिफिकेशंस वाली गाड़ियां हम आपको दिखा देंगे, जिसके अंदर जिसका जो बजट हो, जिसकी जो प्रेफरेंस हो, वो गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है जी, दोनों गाड़ियों के अंदर मॉडिफिकेशन फुल है, और जो मेजर मॉडिफिकेशन होती है वो सेम होती है, जैसे कि रिक्लाइनर्स और टीवी वगैरह, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। बट दोनों गाड़ियों का नाम अलग अलग है, तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों का नाम बता देता हूँ। ये वाली गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा बिजनेस लाउंज, ठीक है, और वो वाली है इनोवा क्रिस्टा लग्जरी लाउंज। लग्जरी लाउंज, हाँ जी, क्योंकि वो मॉडिफाइड है, जैसे कि आप देख सकते हो, वो DC डिजाइन से मॉडिफाइड है। बट यहाँ पे आपको कोई लोगो नहीं लगा, लेकिन हाँ, इस कंपनी को भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, ये भी बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन करते हैं। अब जानना ये होगा कि दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों फॉर सेल है एट सागर मोटर डीलरशिप। आप दोनों गाड़ियों को खरीद भी सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे व्यूवर्स ऑलरेडी खरीद भी चुके हैं, लेकिन इन दोनों में क्या खास रहेगा, सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल इरफान भाई, इससे शुरू हो जाते हैं। बाहर से मुझे ना रत्ती भर भी पता नहीं लगता है, पूरी डिटेल वीडियो बनाना, और मैं सब व्यूअर्स को कहूंगा कि मिस मत करना कोई भी चीज। आपने ऐसे करके अगर वीडियो स्किप करी तो आप ऐसे करके 2 फीचर छोड़ गए। शुरुआत इससे करते हैं, पहले मेन्यू कार्ड निकाल देता हूँ बाहर। ठीक है जी, मेन्यू कार्ड में देख लेते हैं आज हमारे पास। बिल्कुल, पहले तो व्यास भी आप इधर आओ, बाहर से एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी, रेंज रोवर वाला इफेक्ट। तो जैसे ही आप खोलोगे ये आपके ऑटोमेटिक फोल्डिंग वाले आ जाएंगे साइड स्टेपर्स। तो इसकी मेन्यू लेते हैं, निकाल। मेन्यू में क्या क्या है जी इस बार? ठीक है जी, मेन कोर्स में ये आपके सामने, स्नैक्स में। ये एक सिर्फ मेन्यू नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक पीस ऑफ पेपर है, पॉज करके पढ़ भी सकते हैं हमारे व्यूअर्स। अगर ये आपके मैसेज पे आ जाएगा, आप नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं या जो स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, आप इन पे व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए कि आपको ये वाली गाड़ी लेनी है। पूरा मेन्यू कार्ड विद फोटोग्राफ। वन कार फॉर सेल इन इंडिया। हाँ जी, दिस इज ओनली वन कार फॉर सेल इन इंडिया। इस गाड़ी के अंदर मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन हो रखी है। 10 लाख की गाड़ी नहीं है, 10 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन हो रखी है। ठीक है जी, इरफान भाई अब सबसे पहले मॉडल बता देते हैं गाड़ी का। 2022 मॉडल गाड़ी है ये, और 2022 मॉडल गाड़ी मई की गाड़ी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभी 1.5 साल पुरानी है। ठीक है जी, किलोमीटर्स की बात बता देते हैं, सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली है। वेरिएंट बता देते हैं, और मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, GX वेरिएंट है ये गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ, क्योंकि मॉडिफिकेशन जनरली G मॉडल में ही करी जाती है, क्योंकि टॉप मॉडल लेने का फायदा ही नहीं, क्योंकि सबको तो हमने चेंज कर देना है। अगर आप Z मॉडल ले रहे हो या G मॉडल ले रहे हो, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आपने उसके अंदर से लगा दिया या निकाल दिया। ठीक है जी, GX वर्जन में ही सारी की सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, पहली चीज। अब ये वाली गाड़ी की बात करें, 2022 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी, चली ओनली 13,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर। ठीक है जी, पेट्रोल में है ये गाड़ी, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। अब ऑडियंस की ना क्यूरियोसिटी बढ़ाते जा रहे हो आप ना, मतलब ये तो पहले बेसिक फीचर तो बता देना, लोगों को मतलब इंतजार नहीं हो रहा, लोग अंदर झांक के देखना चाहते हैं। मैं अंदर झांक के भी एक चीज एक्सप्लेन करना, एक बार अंदर दिखाते जाना, एक चीज जरूर बताएंगे बिल्कुल। अब ये बात करते हैं पहले बात इंटीरियर की। एक्सटीरियर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, सिर्फ आपके ये ऑटोमेटिक फोल्डिंग जो लगा रखे हैं साइड स्टेपर्स जो की रेंज रोवर में आपको आते हैं, तो ये वाले लगे हुए हैं। उसके अलावा एलॉय व्हील्स हो गए, और अंदर की अगर फ्रंट की बात करूँ तो ऑटोमेटिक फोल्डिंग साइड मिरर्स हो गए, ये सारी चीजें, स्टीयरिंग कंट्रोल्स हो गए, टच स्क्रीन म्यूजिक पैनल आगे ड्राइवर के लिए जो हो गए वो गाड़ी में कंपनी से ही आते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, पहले आगे से स्टार्ट करें इरफान भाई। परफेक्ट, तो इरफान भाई आप खोलिए, आओ जरा हम देखते हैं। मैं उस साइड से आऊं इरफान भाई। श्योर। तो इरफान भाई दोनों गाड़ियों में अपना अपना प्राइवेसी कंपार्टमेंट है, यानी कि जो आगे ड्राइवर है और जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, पीछे जो मालिक बैठे हुए हैं उनसे बातचीत फोन के द्वारा होगी। वैसे जो ये आपको बता देता हूँ ये 80 to 90% वैक्यूम होता है, मतलब अगर हम इस पिच पे बात कर रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं तो आगे की आवाज पीछे नहीं जाएगी और पीछे की आवाज आगे नहीं फील हो ही रहा है। हाँ जी, अगर पीछे देख पा रहा हूं मैं, हाँ ये पूरा वैक्यूम कंपार्टमेंट है। अगर बात करें तो रूफ की, तो देख लो आप वेलवेट टच पूरा रूफ पे दिया हुआ है और वो आगे से लेके पीछे तक इस रूफ में दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आगे की फीचर्स की बात करें तो ये टच स्क्रीन म्यूजिक पैनल आ गया जो कि ड्राइवर की एंटरटेनमेंट के लिए है। इसके स्पीकर सिर्फ आगे चलते हैं, पीछे नहीं चलते हैं। उसके बाद स्टीयरिंग कंट्रोल्स आ गए ड्राइवर के लिए। उसके बाद ये फोन जो है, अगर आपको पीछे बात करनी है जो पीछे आपके मालिक बैठे हैं उनसे, तो इस फोन से बात करनी है। पीछे ऐसा एक और सेम फोन है। फोन की भी अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि कोई लोकल कंपनी का फोन लगा हुआ है, ये मोटोरोला का है। तो कोई भी सामान आपको लोकल नहीं मिलेगा या इंफीरियर क्वालिटी का नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर इरफान भाई, ये है ऑल टाइम रनिंग बैक कैमरा, यानी कि जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसको पीछे तो देखना ही है, बट ये वैक्यूम कंपार्टमेंट है तो कैसे देखेगा, तो ये उसकी ड्राइविंग के लिए है ऑल टाइम रनिंग कैमरा। ये इससे पीछे देख सकता है और वेरास गाड़ी तो आगे चली रही है। इसके आगे भी एक ये कैमरा लगा हुआ है, ये है फ्रंट विजन कैमरा। जो पीछे स्क्रीन लगी हुई है, जो पीछे टीवी लगी हुई है, जो पीछे मालिक बैठे हुए हैं, वो अगर देखना चाहें कि गाड़ी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, तो वो इस कैमरा के थ्रू देख सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा। आइए पीछे, एक बार आप पीछे आ जाओ। जो असली मजा है ना इस गाड़ी का, वो हकीकत में इस गाड़ी को चलाने का तो नहीं है, वो है इस चीज का मजा। ये चेकआउट करिए आप, क्या बात है, क्या बात है। सो वेलकम टू बिजनेस लाउंज। ये है आपके सामने वो लाउंज जो कि मतलब लोग सपना लेते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, तो ये वो सपना है। और अगर आप चाहें ये सपना आप जरूर पूरा कर सकते हैं। दो अलग अलग ऑप्शंस ले आए हैं, सबसे पहले इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। इरफान भाई अंदर बैठ जाइए प्लीज। चलिए जी भाई, प्रीमियम गाड़ी खरीद तो ले इंसान, लेकिन ये वाला फील तो प्रीमियम में भी नहीं आ सकता भाई। मैं सच बता रहा हूं, जैसे बाहर एक बड़ा छोटा सा फीचर दिखाया, वो रेंज रोवर से जो ऑटो स्टेपर, हाँ ऑटो स्टेपर था, तो रेंज रोवर के अंदर से उसकी थीम के अंदर से लाया गया था। वैसे इसके अंदर बहुत सारे और फीचर्स हैं जो कि अलग अलग गाड़ियों की थीम से लाया गया, मतलब कि जिन गाड़ियों के अंदर प्रीमियम फील वाले कुछ फीचर्स होते हैं ना, वो थोड़े उधर से निकाले, थोड़े उधर से निकाले और इसके अंदर। ये इतना बड़ा टीवी कौन सी थीम से लाया गया, तो घर से लाया गया इरफान भाई। ये टीवी भी लेटेस्ट आजकल की जनरेशन का टीवी है, यानी कि ये वो टीवी है जो कि एक स्मार्ट टीवी है। जैसे आप देख सकते हैं ये नेटफ्लिक्स, ये Amazon प्राइम, ये YouTube, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये अब आप एक, हाँ तो ये आप इसका रिमोट देख सकते हैं, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की चीजें। सोनी का इसके अंदर टीवी लगा हुआ है, मतलब कोई भी चीज आपको इंफीरियर क्वालिटी की नहीं मिलेगी दूर दूर तक। तो उसके बाद इरफान भाई अदर फीचर्स की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले आप अपना फोन निकालिए और इसके ऊपर रखिए, वायरलेस मोबाइल चार्जर। लाओ जी, ठीक है जी, तो चार्ज होना स्टार्ट हो गया जी। उसके बाद अगर बात करें तो दो USB पोर्ट्स भी अलग से इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अंदर आपको अगर अलग से कोई चीज चार्ज करनी है, चाहे आपकी XYZ कोई भी चीज है, वो आप इसमें डाल सकते हो, जो कि वायरलेस तरीके से नहीं चार्ज होता है। उसके अलावा ये आप एक पूरा कंसोल देख सकते हैं, एक पैनल देख सकते हैं, जो की जनरली रिक्लाइनर्स के साथ साथ और चीजों को भी होल्ड करता है। तो अब बात करते हैं स्टोरेज की। ये दो रिमोट हमारे को दिए हुए हैं, एक ये सिंगल रिमोट है टीवी के लिए, वेराज एक ये स्पेशल रिमोट हो रहा है। अब ये एक स्पेशल रिमोट किस लिए इरफान भाई, तो जो आप ये देख रहे हैं साइड में कर्टेन्स लगे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। यार ये करके दिखाओ, हाँ ये वाला कर देते हैं इरफान भाई। तो अब ये वाला कर्टन हो गया नीचे। उसके बाद अगर हम दूसरे किसी कर्टन की बात करें, आपको कोई और कर्टन नीचे करवाना है तो वो कर देते हैं इरफान भाई। ये प्राइवेसी कंपार्टमेंट है, ठीक है जी, प्राइवेसी कंपार्टमेंट। आप इस गाड़ी के अंदर जो भी बात कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप नहीं चाहते कि आपका ड्राइवर आपकी बातें सुने, या फिर आपकी ट्रैवलिंग अगर बहुत ज्यादा रहती है। मेरे काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको डेली दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से आगे पता नहीं आगरा, अमृतसर, कहाँ जाते हैं वो डेली, क्योंकि बिजनेस इतनी जगह पे फैला हुआ है और रास्ते में उनको चाहिए चैन की नींद, या फिर रास्ते में उनको चाहिए प्रॉपर लग्जरी। तो ये उनके लिए है, आराम से गाड़ी चल रही है, 6 घंटे 8 घंटे 2 घंटे आप आराम से बैठो एंड लेट सो कह सकते हैं। इसमें सो कैसे सकते हैं इरफान भाई, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले पैरों के लुफ्त के लिए आपको दिखा देता हूँ, ये इसके अंदर आ गया है काफ रेज। तो इरफान भाई ये काफ रेज है, आप देख सकते हो, बिल्कुल पहले नीचे था, अब ये मेरे पैर इसमें हो गए हैं सीधे इरफान भाई। ये मैंने काफ रेज बिल्कुल कर दिया ऊपर और ये बैक लास्ट तक नीचे करके दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता लगे कि यार कितने कंफर्ट लेवल तक ये आने वाला है। तो ये आपके आ गया, और देखो ये आराम से हम लेटे हुए हैं, जिसके अंदर जो मुझे फील आ रही है ना इरफान भाई, मतलब वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। मेरे को लग रहा है बेड अब ऐसे बनेगा, ये देखो। हाँ, तो ये दो सीटें और हैं इसके अंदर, ये बेबी सीट्स कहलाती हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो दो बच्चे भी अगर ट्रैवल करवाने हैं तो वो सामने बैठ जाएंगे। आप काफरेज फोल्ड करेंगे और सीट बिल्कुल पीछे करेंगे तो दो आदमी आराम से बैठ जाएंगे। मैं अभी आपको बैठ के भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको नीचे कर दिया इरफान भाई, और ये सीट हमने कर देनी है अब आगे। तो ये आप देख रहे हो कैसे अटैच हो गया, अब ये हो गया अटैच, और इसके ऊपर हमने रख दिए पैर। ये देखो, तो ये आराम से मैं कितने भी घंटे सो के जा सकता हूँ और आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ। मतलब कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं है, बिल्कुल लिटरली बेड वाला फील आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली जो रिक्लाइनर्स भी हैं ये हाई फोम वाले हैं। अगर आप इनको प्रेस करके देखेंगे तो इरफान भाई इनके अंदर प्रॉपर फोम है, जो कि आपको एक फील देंगे कि हाँ मैं आराम से लेट सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। उसके अलावा काफी सारे और फीचर्स हैं इरफान भाई, धीरे धीरे हम आपको डिस्क्लोज करते जा रहे हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले, अब आप इतना ज्यादा कर रहे हो ट्रैवल तो आपको प्यास भी लगेगी, तो गाड़ी के अंदर चिलर होना बहुत जरूरी है, यानी कि छोटा सा फ्रिज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका आ गया इधर। अब इसके अंदर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि आपकी पेप्सी, कोला वगैरह सब ठंडी हो रही है, और देखो कितनी सारी कैपेसिटी है इसकी। अभी तो ये बहुत कम रखी हुई है, ऐसी कम से कम मेरे हिसाब से 10 आराम से आ जाएंगे, कम से कम। तो आप इसमें पानी, पेप्सी, XYZ कुछ भी ठंडा कर सकते हैं, ये जैसे आपको पसंद आए वैसे। अब ये यहाँ पे सॉकेट भी दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, इधर ये दिया हुआ है इरफान भाई नॉर्मल सॉकेट, यानी कि अगर आपको कभी लैपटॉप चार्ज करना है या और कुछ चार्ज करना है, तो क्योंकि ये एक बिजनेस लाउंज है तो इसके अंदर आपको बिजनेस रिलेटेड भी सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है जी। उसके अलावा इरफान भाई इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स लाइट्स भी हैं, जैसे सिर्फ अगर इसकी बात करें तो ये तो थी आपकी रूफ लाइट। अब अगर हम इफेक्ट लाइट्स की बात करें तो हम ये ऑन कर देते हैं इफेक्ट लाइट्स। अगर आप रूफ लाइट बंद करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जैसे सोते वक्त होता है ना कि डिम लाइट होनी चाहिए, तो ये डिम लाइट आपकी आ गई। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल दोनों क्रॉस चेक करा दिए हैं, आपको काफ रेस दिखा दिया है, आपको दिखा दिया है कि ये आपको रिक्लाइनर्स कितने ज्यादा कंफर्टेबल है। अब हम आ जाते हैं इरफान भाई स्टोरेज के ऊपर कि जैसे अब ये छोटे छोटे रिमोट्स भी हैं, तो ये एक स्टोरेज है कि आप देख सकते हो कैसे, मतलब मैं इसको सीधा डाल रहा हूँ तो ये कितना पूरा अंदर तक चला गया है, तो ऐसे भी ये पूरी है, मतलब इसके अंदर काफी सारी स्पेस है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये दो ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं बेबी सीट्स के लिए। बिल्कुल। अब मैं कंफर्ट लेवल अगर आपको चेक करवा रहा हूँ तो इरफान मैं सामने की तरफ आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ बैठ के कि कैसे बेबी सीट भी यूज हो जाती है। जनरली अगर कुछ लोग सोचे कि यार ये तो बड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको काफरेज नीचे रखना है, अगर बेबी सीट आप नीचे कर रहे हैं तो मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ एक बारी। ये हम इसको सबसे पीछे कर देंगे, पहले पीछे बहुत स्पेस है अभी। बिल्कुल, पीछे काफी स्पेस है इरफान भाई। ये देखिए, हम इस पहले मैक्स लेवल तक पीछे कर देते हैं। अब देखिए ये मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे, और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, ये किसी का भी वेट ले सकता है, ये आपका मेरा वेट बहुत आराम से ले सकता है। तो ये चार लोग आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स ऑब्वियसली। एंड आप इन सीट्स को जैसे कि हमने दिखाया कि पैर सीधा करके रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूं, आगे आपको एक फीचर बताया था, जो फीचर अब पीछे आ गया है, यानी कि ये वाला फोन, यानी कि जब आपने आगे ड्राइवर से बात करनी है तो आप इस फोन के थ्रू करेंगे। और ये भी जैसे कि दिखाया था ये मोटरोला का ही है, यानी कि हाँ सारी चीजें आपको ब्रांडेड मिलेंगी, कोई भी चीज़ इंफीरियर क्वालिटी की यूज़ नहीं होगी। मैं एक बार लिस्ट भी पढ़ देता हूँ, जो मेन्यू हमने इतनी देर से अपने हाथ में रखी हुई है, इसके अंदर क्या क्या है, और ये लिस्ट आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगी। सो दिस कार हैज़ 2 रिक्लाइनर सीट्स, ये रही आपके सामने, ऑटोमेटिक फोल्डिंग साइड फुटस्टेप्स जो कि हमने आपको सबसे पहले चेक करा दिया था, अरोमा रूफ एंड सराउंड लाइट्स, यानी कि ये वाली लाइट और ये वाली लाइट आ गई इसके अंदर, मिनी चिलर ये आ गया आपका चिलर। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कर्टेंस, जो कि हमने आपको दिखा दी है। इनकी अगर बात करूँ इरफान भाई, तो ये जो कपड़ा होता है इस कपड़े को कहते हैं टिश्यू, मतलब ये वो वाला टिश्यू नहीं है जिससे हाथ पोंछ लेते हैं, ये टिश्यू के कपड़े से बने हुए कर्टेंस है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा स्मूथ फीलिंग देंगे। मतलब कि अगर कर्टेन ऐसे सिर्फ लगा देना एक अलग बात होती है, और ये एक प्रीमियम फील है, और जो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 मोनो या 2 बेबी सीट्स। उसके बाद आता है काफ रेस, जो ये रहा। उसके बाद ये 32 इंचेस का सोनी का स्मार्ट टीवी लगा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद वायरलेस मोबाइल चार्जर यहाँ पे आ गया है। टैन लेदर इसके अंदर आपको इंटीरियर मिलेगा, एंड यस ये प्योर लेदर इंटीरियर है। अगर आपको बताऊं तो नॉर्मली लोग जो सीट कवर्स चढ़वाते हैं वो रेक्सीन के होते हैं, वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, सस्ती क्वालिटी के होते हैं। ये 100% प्योर लेदर है, जिस लेदर की कॉस्टिंग ही मिनिमम से मिनिमम 1 से सवा लाख रुपए आती है, क्योंकि लेदर काफी एक्सपेंसिव रहता है। उसके बाद आ जाता है वेलवेट सॉफ्ट टच रूफ। ये आप देख सकते हैं, जो आगे भी दिखाया था आपको, ये वेलवेट वाली ये फीलिंग, ये प्रीमियम फील, और ये किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, ये है जैगुआर XJL से इन्फ्लुएंस्ड। जैगुआर XJL की रूफ जो होती है वो इस वेलवेट की होती है, तो ये उस चीज से इन्फ्लुएंस्ड इन्फ्लुएंस्ड है। तो मैंने बताया था ना गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि प्रीमियम गाड़ियों के अंदर से इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे कि एस क्लास के अंदर पीछे रिक्लाइनर्स होते हैं तो रिक्लाइनर आ गया, मतलब कि पूरा आपका लाउंज, पूरा आपका एक घर इस गाड़ी के अंदर आ गया है। उसके बाद ऑल टाइम रिवर्स कैमरा जो कि फ्रंट में हमने देखा, ऑटोमेटिक फोल्डिंग साइड मिरर्स कंपनी से आते हैं, डायमंड कट अलॉयस कंपनी से आते हैं, सेपरेट प्राइवेट पार्टीशन बिटवीन ड्राइवर एंड पैसेंजर जो कि हमने आपको दिखाया। उसके बाद रहता है आपका लास्ट चीज फ्रंट टच स्क्रीन म्यूजिक पैनल जो कि आगे से कंपनी से आता है। अब बात करते हैं गाड़ी की। गाड़ी फर्स्ट ओनर है UP 14 0080 यानी कि 80 नंबर इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, तो VIP नंबर भी है और वो VIP नंबर भी आपको साथ में मिलेगा। इरफान भाई प्राइस की बात भी बता दें इस गाड़ी की, तो ये पेट्रोल की गाड़ी जो कि न्यू कार की कॉस्टिंग है 24,78,000 रुपीज, इसी के आसपास ही दे दो, मॉडिफिकेशन को छोड़ दो। नहीं देखो ना मेरी बात को, 24,80,000 रुपए की कस्टमर ने ली गाड़ी, उसके बाद लगभग 10 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर लगाए इंक्लूडिंग नंबर भी आप समझते हैं 0080 नंबर कोई फ्री में तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, 0080 तो नंबर से लेकर साइड फुट स्टेपर्स से लेकर प्योर लेदर इंटीरियर से लेकर और इतनी प्रीमियम फिनिश से लेकर रिक्लाइनर्स एंड एवरीथिंग इज देयर इन द कार। तो ये 10 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन और लगभग 24,80,000 रुपए की गाड़ी, मतलब कस्टमर को लैंडिंग कॉस्ट समवेयर अराउंड 35 लाख की तो है, ठीक है जी। अब इसके आस्किंग प्राइस की अगर हम बात करें तो इरफान भाई बता दीजिए कितना अट्रैक्टिव रखें। भाई मुझे तो इस मॉडिफिकेशन के देने ही नहीं पैसे, मुझे तो जितने की गाड़ी मिलती है उतने में दे दोगे तब भी चंगा, मतलब ऐसे कैसे करे, सिर्फ 13,000 चली गाड़ी 24 लाख की दे दो ना मुझे, मतलब 24 लाख से ऊपर तो कस्टमर ने न्यू गाड़ी खरीदी 10 लाख, वो 35 लाख की चीज 24 लाख में दे दे, 28 की दे दोगे? चलो यार 35 लाख की चीज 24 लाख छोड़ो, 23,90,000 इसका रखेंगे आस्किंग प्राइस। मतलब ये समझ लो कि आपको ये जो मॉडिफिकेशन है ये आपको एज ए फ्री भाव में दे देंगे, फ्री भाव में, ठीक है जी। और मॉडिफिकेशन भी अंडर वारंटी है, दूर दूर तक कोई भी चीज आपको करवानी नहीं पड़ेगी, सारी चीजें 100% ड्यूरेबल होती है, रफ एंड टफ होती है। उसके अलावा गाड़ी भी अंडर वारंटी है। और दोनों गाड़ियों की एक बड़ी खास बात आपको बता देता हूँ कि दोनों गाड़ियों के मैकेनिज्म से यानी कि इंजन से कोई छेड़छाड़ कभी भी नहीं करी जाती। तो कई लोग अगर सोचे कि यार इसकी सर्विसिंग कहाँ से होगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आप आराम से नॉर्मल टोयोटा से ही सर्विस कराइए, बिकॉज सर्विस तो इंजन की होनी है और ऑयल डलना है, और वो दूर दूर तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। बहुत बढ़िया। तो 23,90,000 की रेंज में आ गई ये चीज, 2022 मॉडल गाड़ी, नंबर्स नीचे चल रहे हैं, आप किसी पर भी कॉल करके इसकी डील क्रैक कर सकते हैं। अब अगर आपको गाड़ी चाहिए इससे लो रेंज में तो ये रहा ऑप्शन, दिस इज DC इनोवा क्रिस्टा लग्जरी लाउंज। तो इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो रखी है, दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क ये है, उसके अंदर जो लोडिंग्स है वो 10 लाख रुपए की है और इसके अंदर जो लोडिंग्स है वो 8 लाख रुपए की है। तो पहले बात तो ये एक फर्क है, लेकिन उसका फर्क प्राइस में भी है, कुछ छोटी मोटी चीजें इसके अंदर नहीं है लेकिन कुछ इसके अंदर नई जैसी चीजें भी हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर ऑटोमेटिक फुट स्टेपर था तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है जी। पर वो ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप अलग से लगवा नहीं सकते, या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके वजह से मॉडिफिकेशन में कमी आ रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आगे DC डिजाइन का लोगो आ गया। अब इसके अंदर शुरुआत से शुरू करते हैं, आगे से शुरू करते हैं, आइए इरफान भाई। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हो पूरा वुडन फिनिशिंग। अभी ये वुडन फिनिशिंग जो है ना, इसका जलवा यानी कि इसकी जो असली अट्रैक्शन है वो आपको पीछे जाके दिखाऊंगा। अब एक चीज मैं समझ गया हूँ, अब उसमें आपको फोन देखा था आपने मोटोरोला का जी, अब यहाँ पे ना वो बटन दिया, हाँ इसके अंदर क्या है, ये एक माइक का बटन है, आप इसको दबा के जो भी बोलेंगे उसकी आवाज जाएगी पीछे, और ऐसा ही एक बटन पीछे और ऐसा ही एक माइक पीछे है, जिसको बटन दबा के जब अगर आप पीछे से पैसेंजर जो है बोलेगा आगे ड्राइवर को, तो ड्राइवर को यहाँ पर सुनाई देगा। आगे बात करें इसके अंदर तो जैसे कुछ चीजें उसके अंदर नहीं है इसके अंदर है, जैसे कि ये प्योर वुडन फिनिशिंग जो प्रीमियम है आप देख सकते हो, डोर पैनल्स के अंदर भी है, प्लस में फिर इसके बाद इसके अंदर टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है, ये एक एंड्रॉइड म्यूजिक पैनल है जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि सारी एप्स भी हैं, गूगल से लेके सब कुछ, और ये ड्राइवर की एंटरटेनमेंट के लिए है। ये गाड़ी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बट ये डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, वो वाली पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो आपका ड्राइवर आराम से गाड़ी चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है। ये वाली गाड़ी 2017 का मॉडल है, दिस इज 2017 मॉडल। ये गाड़ी ड्रिवन है 51,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड। अब इसकी जो 8 लाख की जो लोडिंग्स है इरफान भाई, वो आगे से तो शुरुआत तो कर ही दी है, पीछे से भी दिखाते हैं ये, और दिखा देता हूँ जो कि सेम चीज आ गई है। ये रहा ऑल टाइम रनिंग कैमरा ड्राइवर के लिए, और ये रहा फ्रंट कैमरा सेम पीछे जो पैसेंजर है उनके दिखाने के लिए कि भाई आगे गाड़ी में क्या चल रहा है। तो अब आ जाते हैं पीछे इरफान भाई। सो वेलकम टू लग्जरी लाउंज। अब आप कहोगे कि यार ये क्या चीज है, मतलब पूरी फ्लोर भी वुडन, साइड के पैनल्स भी वुडन, फ्रंट पैनल्स भी वुडन, तो यही एक प्रीमियम फिनिशिंग है इसके अंदर। इरफान भाई आपके वहाँ पे साइड में एक लाइट का बटन है, वो जला दीजिए। लुक एट दिस स्टार लाइट। सबसे पहले देखिए इसकी रूफ यानी कि रोल्स रॉयस। बिल्कुल सही इरफान भाई, मेरे बोलने से पहले आपने बता दिया। तो ये वाली रूफ जो है वो रोल्स रॉयस से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि इसके अंदर मिलती है आपको। स्टार नाइट आपको अंदर बैठ के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो उसका नाम था बिजनेस लाउंज और ये है लग्जरी लाउंज। ये आप देख सकते हैं ऊपर स्टार्स जो कि रोल्स रॉयस से इन्फ्लुएंस्ड है और इसकी रूफ आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। ये बात कर रहे थे ना फ्लोरिंग की, इसके फ्लोर पे भी लाइट्स हैं। व्यास भैया आप इधर दिखाएंगे तो ये देखो, ये है ना प्रीमियम फील, मतलब कि इसके फ्लोर में लाइट्स और ये अरोमा लाइट्स, यानी कि अब ये मैं आपको बताता हूँ लग्जरी लाउंज है तो इसमें बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं होती है। जैसे इसके अंदर अरोमा लाइट्स ज्यादा होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो रूफ पे ये वाली लाइट्स है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 रिक्लाइनर्स हैं, यानी कि आगे इसमें बेबी सीट्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर अलग कंसेप्ट है क्योंकि एक लग्जरी लाउंज है। इसके अंदर लेग रूम आप देख रहे हो कैसे आप ऐसे करके आराम से बैठे हो। ये तो फ्लोरिंग बहुत बढ़िया है। हाँ, उसके अंदर आपने देखा था कि बीच में एक पार्टीशन था, उसका कंफर्ट लेवल अलग मजा है। तो इरफान भाई अभी अगर बात करें बटन्स की, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले बटन से हमारी ये वाली जो लाइट्स हैं ये आप देख सकते हैं ऑन हो गई। उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो ये हमारे बटन आ गया इसका, यानी कि ये हमारी रोल्स रॉयस वाली रूफ लाइट्स का। उसके बाद अगर बात करें काफ रेस, तो ये इसके अंदर काफ रेस भी है जैसे कि पिछली वाली गाड़ी में था। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक फीचर्स दोनों गाड़ियों के अंदर पैरेलल हैं, यानी कि 2 रिक्लाइनर से लेकर काफ रेस। काफ रेस बहुत जरूरी है। पहले मैंने कुछ और कंपनीज भी देखी है जो मॉडिफिकेशंस करती हैं और वो क्या करती है कि गाड़ी के अंदर काफ रेस नहीं लगाती, सिर्फ 2 रिक्लाइनर लगा देती है, तो आप उसमें आराम से सो नहीं सकते, रेस्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर भी मैं आपको प्रॉपर लेट कर दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सामने बेबी सीट नहीं है तो आप लेट नहीं पाएंगे। ये प्रॉपर सीट आराम से ऐसे आ गई है और आप देख सकते हैं कि आराम से इस पे नींद आ सकती है प्रॉपरली, ठीक है जी। उसके बाद इसके कुछ हिडन फीचर्स भी हैं इरफान भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सीट कर देते हैं सीधी, तो इसके अंदर है रिमोट्स रखने की स्टोरेज, ठीक है जी। उसके बाद चिलर इसके अंदर भी है, आप इसके अंदर कोई भी चीज ठंडी कर सकते हैं। ये हमने कर दिया बंद। अब इसके बाद इसमें नीचे 2 ड्रॉर्स मिलते हैं, तो आपका इधर और उधर 2 ड्रॉर्स हैं जिसके अंदर आप कोई भी चीज रख सकते हैं आसानी से और आप इजीली उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 2 आ गए ड्रॉर्स इरफान भाई। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, ये बड़ी ही क्लासिक चीज है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्ली हम इसको यहाँ से होल्ड करेंगे तो ये इरफान भाई देखो ये है इस टेबल, 2 टेबल्स। अब इस टेबल की खास बात क्या है, पहली बात तो इसके अंदर लगा हुआ है ये सॉकेट, यानी कि आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप इसका सॉकेट जो है आराम से चार्जिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस में अगर आप पीछे होके बैठो तो टेबल दूर नहीं है, ये टेबल ऐसे करके आगे आ गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इसके अंदर मिल गए आपको 2 ग्लास होल्डर्स, तो आप लैपटॉप भी रखो, कुछ खाओ भी और साथ में ग्लास होल्डर्स भी आपको मिल गए, कुछ रखो भी। और यहाँ पे कुछ रख के आप इसको एक सेफ की तरह, यानी किसी तरीके की तरह आप इसको हाइड भी कर सकते हो। जब तक ऐसे टेबल खुली थी आपको नहीं पता था ना कि ये स्लाइडिंग भी है, तो ये अब हो गई ऐसे करके स्लाइडिंग और ये हो गई आपकी टेबल। और इसकी मैकेनिज्म जो है वो बहुत स्मूथ है, आप देख रहे हो। ये मैंने सिर्फ अगर ऐसे ही पकड़ूं तो ये प्रॉपर फोल्ड हो गई एंड दिस हैज गॉन इनसाइड। ये वैसे दोनों जो हम देख पा रहे हैं देखो वो एक अलग थीम पे चल रही है, बिजनेस लाउंज है, ये एक लग्जरी लाउंज है, बिल्कुल। अब ये आप देख पा रहे हो जैसे उसमें जैसे इतना ये पियानो फिनिश दे रखा है, देखो इसके अंदर ये पियानो फिनिश है, इधर वुडन फिनिश दे रखा है, देख सकते हो। ये हमारी चल रही है इसके अंदर 24 इंच होगा मुझे लग रहा है ये। हाँ, ये उससे कंपैरेटिवली छोटा टीवी है, रीजन बीइंग कि इसके अंदर और फीचर्स काफी ज्यादा हैं। जैसे इसके अंदर आप ये वाला देखेंगे म्यूजिक सिस्टम, ये इसको कंट्रोल करता है। तो और इसके अंदर भी फीचर्स वाइज इसके अंदर भी ये हमारी यूट्यूब की वीडियो चल रही है, इसमें भी बिल्कुल सेम नेटफ्लिक्स से लेके अमेजॉन प्राइम से लेकर आपका XYZ सारा कुछ है, यूट्यूब से लेकर सारी चीजें, तो आप इसमें भी चला सकते हैं। अब अगर आप कहें कि यार उसमें तो बड़ा टीवी है, इसमें छोटा टीवी है, क्योंकि ये एक लग्जरी लाउंज है तो इसके अंदर आपको टीवी तो मिल ही गया, ठीक है जी। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ये आप देख सकते हैं जो टच स्क्रीन पैनल है ना, इससे आप कास्टिंग भी कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज़ है दिखने में, लेकिन ये प्रॉपर विंडोज़ वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ होती है जिससे आप सारी चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। चलो दादा लग्जरी लाउंज की देख लेते हैं क्या डील होने वाली है। लग्जरी लाउंज की डील आपको दिखा देते हैं और बाहर आकर आपको इसके फीचर्स भी फिर से बता देते हैं। तो फिर से गाड़ी की डिटेल बता देता हूँ ताकि खासियत ये होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी से आपने वीडियो देखी हो और आई एम वेरी श्योर कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, तो वहाँ से उनको प्रॉपर एक तो हमारा कैमरा बढ़िया वाला है ही है, उसके अलावा डिटेल्ड तरीके से सारी चीजें हमने दिखा दी हैं। रीड आउट कर देता हूँ सारी चीजें। 2017 का मॉडल है ये गाड़ी, GX ऑटोमेटिक है बट ये डीजल वर्जन कार है। दोनों गाड़ियां सेम कलर है, यानी कि वन गार्ड ब्राउन कलर में है। दोनों गाड़ियां फर्स्ट ओनर है। ये वाली HR 26 गुड़गांव नंबर गाड़ी है, वो वाली UP 14 गाजियाबाद नंबर गाड़ी थी। ये वाली गाड़ी चली है 51,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड। ये DC डिजाइन से जो है मॉडिफाइड है और इसके अंदर DC डिजाइन की लग्जरी किट जो लगी हुई है उसकी प्राइसिंग है वो है 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपीस की। अब इसके अंदर मैं फटाफट से रीड आउट कर देता हूँ, जो कि आपने सारी चीजें देख भी ली हैं। अ पेयर ऑफ रिक्लाइनर सीट्स विद काफ रेस्ट, जो कि आपने दोनों रिक्लाइनर्स देख लिए हैं। उसके बाद देख लिया आपने प्राइवेसी पार्टीशन बिटवीन ड्राइवर एंड रियर कंपार्टमेंट, जो कि हमने आपको क्रॉस चेक भी करा दिया, जो कि पियानो फिनिशिंग में भी है, तो वो इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद चिलर आपको इसके अंदर मिल गया, यानी कि रेफ्रिजरेटर। उसके बाद स्मार्ट टीवी आपने इसके अंदर देख लिया, जिसके अंदर अमेजोन से लेके नेटफ्लिक्स से लेके सारी चीजें चल सकती हैं, ताकि आपकी जो जर्नी है वो आराम से जा सके। उसके बाद इसके अंदर शार्प स्पोक एलॉयज, जो इसके बाहर के एलॉयज की अगर आप बात करेंगे तो इसके एलॉयज जो है वो कस्टमाइज्ड हैं, इसके अंदर शार्प स्पोक वाले एलॉयज अलग से लगे हुए हैं। जबकि अगर उस गाड़ी की बात करें तो उसके अंदर डिफॉल्ट जो कंपनी से एलॉय आते हैं वो वाले लगे हुए थे, इसके अंदर एलॉयज अलग से लगे हुए हैं, यानी कि अलग से खर्चा उस पर किया गया है। उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेंगे फ्रंट एंड बैक कैमरा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बाहर बैठते ही दिखा दिया था कि इसमें आगे और पीछे दोनों का कैमरा मिलता है। रोल्स रॉयस स्टाइल रूफ लाइटिंग जो हमने चेक कर ली, उसका इफेक्ट और उसकी फील ही अलग है, अल्टीमेट फील। उसके बाद हाँ, इसके अंदर फोकस रीडिंग लाइट्स हैं, जो कि मैं दिखाना भूल गया, अभी आपको दिखा दूंगा, जो कि एक फ्लेक्सिबल लाइट है, आप इसको कहीं भी किधर भी मोड़ लो और आपने इसका बटन दबाया और ये फोकसली आपके बुक पे फोकस करेगी। इसके अंदर भी अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। एक चीज रिमाइंड करा देता हूँ, ये डीजल की वेरियंट है, वो पेट्रोल की गाड़ी से एक्सपेंसिव आती है न्यू कार। हालांकि ये 2017 मॉडल गाड़ी है, बट दोनों गाड़ियाँ फर्स्ट ओनर है और दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अब आप एक एस्टिमेट दो कि कितनी नीचे आना चाहिए इसका प्राइस। ये नहीं कितनी आती है गाड़ी, देखो ये 2017 मॉडल है तो 2017 में गाड़ी कंपैरेटिवली सस्ती आती थी और वो 2022 मॉडल है तो वो एक रीसेंट कार है, तो उस समय गाड़ी महंगी आती थी। वेयर अगर आज की बात करें तो डीजल पेट्रोल के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क चलता है। ये 20 की दोगे? ये 20 की मतलब कि अच्छा उसका हमने रखा था 23 90 20, नहीं और नीचे आ जाते हैं। 18 की दोगे इरफान भाई? 18,90,000 इसका आस्किंग प्राइस रखेंगे, यानी कि उससे 5 लाख नीचे। मैंने बताया था ना कि अगर 10 लाख की लोडिंग से 8 लाख की लोडिंग पे आएंगे, लेकिन फीचर्स डिफरेंट है और दोनों अपने आप में फर्स्ट क्लास गाड़ियां हैं, यानी कि दोनों अपने आप में ही एक अलग अजूबा गाड़ी है। तो दोनों के प्राइस के अंदर भी हम 5 लाख रुपए का फर्क डाल रहे हैं। इरफान भाई 5 लाख में दूसरी गाड़ी आ जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आना पड़ेगा सागर मोटर डीलरशिप पे, विकासपुरी में आपके लिए बैठते हैं, सेवा में हाजिर रहते हैं। अभी पीछे स्टॉक में 10 10 11 11 इनोवा 3 के पास सब जा चुकी है, अब ये मॉडिफाइड वाली आ चुकी है, तो ये आप ले सकते हैं। टाटा सफारी लेनी है, एंडेवर लेनी है, Q3 लेनी है, मतलब क्या क्या चीजें हैं इनके पास। भाई कुछ बताओ स्टॉक के बारे में। इरफान भाई इन दोनों गाड़ियों के अलावा मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ कि काफी सारा स्टॉक अवेलेबल होता है। ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो थी जिसके अंदर आपने 2 मॉडिफाइड कार्स देखी, बट हमारे पास नॉर्मल कार्स भी सारी अवेलेबल होती है, जैसे कि इरफान भाई ने बताया, चाहे वो एंडेवर है, चाहे वो छोटी सियाज क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी फॉर्च्यूनर क्यों ना हो, चाहे वो सफारी क्यों ना हो, क्रेटा क्रिस्टा, सारी गाड़ियां हैं। वो सारी गाड़ियां आप कैसे चेक कर सकते हैं? पहली बात तो इन मोबाइल नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, दूसरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, हमारी कैटलॉग का लिंक भी है, इंस्टाग्राम का लिंक भी है, तो उन सारे लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप सारा का सारा स्टॉक दे सकते हैं। हो सकता है ये वाली गाड़ी आपको नहीं लेनी हो, पर जो गाड़ी आपको लेनी है वो उस स्टॉक के अंदर अवेलेबल हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग एंथुजियास्ट हैं गाड़ी के लिए। बहुत बढ़िया, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।